वेकअप वेकअप फर्स्ट वेकअप देन मेकअप फिर आता है सेटअप। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले एक चीज, वेकअप मेकअप गेटअप फिर सेटअप, है ना। और ज्यादा कोई गड़बड़ करे तो बीच में उसको बोल दो शटअप। फिलहाल थोड़ी देर के लिए शटअप में ही हो जाता हूं। कहते हैं एक चुप सौ सुख। कई बार चुप्पी बड़ी अच्छी होती है, कई बार चुप्पी गड़बड़ भी कर दी थी। आपका प्रोफेशन क्या है, यू नो बिजनेस क्या है, सो डिपेंड्स ऑन बिजनेस, व्हाट बिजनेस यू डू। सो हमारे साथ एक और हमारे यंग जनरेशन के जो डैशिंग एक्टर है वो हमारे साथ हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे भी कराऊंगा थोड़ी देर में। बहुत ही प्यारे हैं। पीछे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। हाँ दिख तो रहे, देख रहे हैं आप, वो बैठे जो हुए हैं ना वही हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग करते हैं हमारे दर्शकों को, और मैं जल्दी ही आपको मिलाने वाला हूँ उनसे। बहुत प्यारी प्यारी बातें करूँगा। पूछो क्यों? वो इसलिए कि वो खुद ही इतने प्यारे प्यारे हैं। आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ ओके, थैंक यू दादा, आपने मेकअप किया इतना प्यारा प्यारा, है ना। सो मैं अब ज़्यादा देर ना करते ही हुए, थैंक यू, कोई बात नहीं, आ जाओ। जब तक मैं इनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेता हूँ। आइए सर, आप ऐसे ही चाहते हैं दोस्तों? वैसे तो वो एग्री नहीं होते हैं, वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, बड़े एक्टर हैं, लेकिन मेरी जो है उस पर गुहार पर वो आ जाते हैं, क्योंकि हमारी और उनकी बहुत बनती है। वो मुझे कभी मना नहीं करते। अगर मैं बाथरूम में भी बोलूं मैं आ रहा हूं अंदर, तो मना नहीं करेंगे। यस, सो देखो आप देख रहे हैं, तो मैं बुला लेता हूं बिना देर किए। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द डैशिंग द स्मार्ट गाय ऑफ अवर सेट, अभिषेक। दोस्तों जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि मैं उनको काफी समय से राजी करने की कोशिश कर रहा हूं और आज राजी हो गए फाइनली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, राधे राधे। सो नाउ हियर कम, थोड़ा सामने आए और यस हाँ। सो ये हैं दोस्तों हमारे डैशिंग स्मार्ट हीरो। आप देख ही सकते हैं, लुक ही लुक लाइक यू नो रणवीर कपूर। एंड देखो देखो मैं आप समझ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ सो दोस्तों आपको पता है कि रणवीर कपूर भी हमारी इंडस्ट्री के बहुत डैशिंग और स्मार्ट हीरो हैं, जस्ट लाइक अभिषेक। अभिषेक की तरह या कहूँ उनकी तरह, ये यानी एक ही बात है, हम सब इंसान ही तो है ना, यू नो। और इंसान सब समान ही होते हैं, बस अपने गुणों से लोग कई बार बड़े हो जाते हैं। तो आप एक मिनट वहां बैठे, बस ओनली वन मिनट, बस बैठ जाए बैठ जाए, तब तक मैं इनसे फटाफट कुछ बातें पूछ लेता हूँ। आपको कैसा लग रहा है इस सीजन में काम करते हुए, और खास करके हमारे साथ? तो काम कर ही नहीं रहे नहीं? क्योंकि काम तो काम तब लगता है ना जब काम हो। ये तो हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है कि जो काम लगता ही नहीं है। वाओ, मैं आपसे बोल रहा था ना कि यही सोच यही विचार इनको इतना जो है। और जब दद्दू जैसे को स्टार, को एक्टर नहीं कहूंगा मैं, को स्टार कहूंगा, क्योंकि ये स्टार है, मैं भी स्टार हूँ। थोड़ा सीना चौड़ा हो गया। दद्दू जैसे को स्टार हमारे साथ हो और खास करके हमारे रूम में हो, तो काम तो और आसान हो जाता है। वाह जी वाह, बिल्कुल मजेदार हो जाता है। सही कहा, क्योंकि हम एक ही रूम शेयर करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं दोस्तों। इज वेरी क्या कहूँ इंटेलेक्चुअल, इतने कम उम्र में इनका जो ज्ञान है आप कहेंगे वाओ। तो मैं इनको सबसे पहले तो चेयर्स करूंगा, चाय चेयर्स। लोग वो चेयर्स करते हैं शाम को, मैं सुबह चेयर्स करता हूँ। राधे 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 राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो इनका नाम है इमिर शाह, प्यार से हम ये कहते हैं
इमी, सो इमी जी ये बताओ और क्या क्या किया है, और आपके एड भी बहुत फेमस हैं, जरा शॉर्ट एंड स्वीट लोगों को बता दें, क्योंकि आप इतने कमाल हैं ना कि मैं क्या बताऊं, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरे एड हाँ कुछ वायरल हुए हैं, एक वो सलमान खान वाला है जो सबने ही देखा होगा, आई थिंक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने वो एड नहीं देखी होगी, जिसमें दो सलमान खान आते हैं, एक हम आपके कौन वाले, एक जो यंग वर्जन वाला सलमान है वो मैंने प्ले किया था, वो उसकी रॉ फुटेज जो है आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे अमिशा पे जाकर के। इसके अलावा मैंने अमूल का एक ऐड किया था, वो भी काफी टीवीसी पे, और भी एक दो एड्स मेरे अभी आने बाकी हैं जो कि शो के दौरान ही शायद रिलीज होंगे, और बाकी डाबर हाजमोला का भी काफी वायरल ऐड रहा है। तो ये छोटे मोटे कुछ काम है जो दद्दू और ऐसे बहुत सारे करता रहता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बहुत काम करते हैं एड में भी। आपके सीरियल कौन कौन से हैं? आई थिंक आप अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर है, वो काफी पसंद आया था लोगों को, और उसमें मैंने वैभव देव का कैरेक्टर प्ले किया था, जो लंदन से हिंदुस्तान वापस आते हैं। शुरू में थोड़ा नेगेटिव था, बट फिर वो इवेंचुअली भीम का दोस्त बनता है, और पूरा जो शो में उस वक्त का जो ट्रैक है वो वैभव देव के ऊपर चलाया गया था, जिसमें वो भीम की मदद करता है, उसके फादर का पेंशन रिलीज करवाता है, उसके बड़े भाई की नौकरी लगवाता है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है छोटी जात बड़ी जात उसको परे रखते हुए, क्योंकि वो पढ़ा हुआ दिखाया गया है, पढ़ा लिखा एक विजडम हासिल किया हुआ बंदा, क्योंकि लंदन से आकर के भी अगर आपकी वही सोच है तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रहता है। यार दोस्तों, सो पढ़ने लिखने का मतलब ये है कि आप सचमुच ज्ञानी बने, समझदार बने। सो थैंक यू सो मच आप हमारे शो पर आए। जाते जाते एक चीज और पूछूंगा कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको ये इंस्पायर्ड किया एक्टर बनने के लिए, वो जरा और बता दें। अभी अभी मैं कुछ लिख रहा था, चलिए वो अभी कंप्लीट नहीं है, नहीं तो वो ही मैं सुना देता। एक सीधे शब्द में कहूं तो मैं अपनी जिंदगी के किसी को बताने में अनेक पल जी पाता हूँ इस प्रोफेशन के थ्रू। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मजाक की बात में कही जाए, तो मेरे फादर मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने उनको बोला कि डॉक्टर का टर तो आपको दे दूंगा लेकिन डॉक नहीं दूंगा, डॉक नहीं दे पाऊंगा, उसकी जगह एक्टर मिल जाएगा। तो अभी मुझे वो डॉक्टर के रूप में भी देख सकते हैं, मुझे वो इंजीनियर के रूप में भी देख सकते हैं, तो क्योंकि वो एक ही इंसान के अंदर इतने सारे रोल निभाने के लिए इनको मिल जाएंगे। और ऑन अ सीरियस नोट अगर कहना चाहूं तो एज एन एक्टर सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप किसी कला में घुसते हैं और सीखते हैं किसी भी कला को, तो आप बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आती है लोगों के प्रति। लोग कहते हैं ना कि वो नेगेटिव इंसान है, डिप्रेसिव है, वो बुरा है, बट जब हम एक किरदार निभाते हैं, अगर हमें किसी बुरे इंसान का किरदार निभाना है, तो हम उस बुराई को भी समझते हैं, और उस फिर बुरेपन में भी एक अपना पहलू देखने की कोशिश करते हैं। जिस पहलू से हर इंसान उन्हें देखता है, हम उसका दूसरा पहलू भी देखते हैं, समझते हैं। राइट। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है इस क्षेत्र की जो मुझे लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्टर जिसको भी बनना है उसको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, तभी वो समझ पाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यू नो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हम एक्टरों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, कई बार जाके पागल का कैरेक्टर है तो पागल को देखना पड़ता है कि वो पागल किस तरह से हरकतें करता है, बट वो पागल क्यों बना है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, साइकोलॉजी क्या है, को समझने की कोशिश। यस, कई आपने सुना होगा कई सारे एक्टर्स हैं वो रोल करने के लिए उन परिस्थितियों में जाकर उन्होंने उस चीज़ को समझा, सीखा, ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने प्ले किया। बल्ला सानी जी का नाम है जिसमें उन्होंने कहते हैं वो एक पिक्चर थी जिसमें उनको रिक्शा वाला बनना था, तो वो घर से चले गए थे बिना बताए। एक महीने उन्होंने कहते हैं कहीं जाकर रिक्शा चलाया, घर वाले परेशान हुए थे, कहाँ गए, फिर वो पता लगा कहीं गांव में रिक्शा चला रहे हैं। सोचो दोस्तों, ऐसा डेडिकेशन एक्टर्स में कई बार देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, नाना पाटेकर हैं, नवाजुद्दीन है, नसीरुद्दीन शाह हैं, उनके साथ हमने भी काम किया। सो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए एक बार धीरे धीरे से की और बात कर लेंगे, इस शो में काम करते हुए कैसा लग रहा है? बेहद खुशी है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। शूट करते हुए
अच्छा लग रहा है, लोगों का रिस्पांस भी सुनने में आ रहा है कि काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग एक ही टीम में हैं, वी आर द पॉजिटिव गाइस, और इस परिवार में सारे नेगेटिव हैं। जी हाँ, ब्राह्मण परिवार है। आपको पता है भगवान के करीब भी ब्राह्मण परिवार है, वो ब्राह्मण को बहुत ध्यान देते हैं और उन पर कृपा करते हैं। वैसे तो सभी पर करते हैं, अच्छे लोग जो कर्मठ होते हैं उन पर, लेकिन ब्राह्मणों को कहा है कि वो थोड़े से ज्ञानी होते हैं, समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, जागृति लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भगवान भी उनको आशीष देते हैं। सो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आपका आशीर्वाद बना रहे और लोगों का प्यार बना रहे। यार दोस्तों, सो आप बस देखते रहिए, थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइब और जो लोग दर्शक हैं उनको भी बोल दीजिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें, सब्सक्राइब कर दिया करें। दद्दू जिनका चैनल का नाम है राजा कापसे, इनके दो चैनल आपको दिख रहे होंगे, तो प्लीज जिस पे ज्यादा सब्सक्राइबर है, 1.4K के करीब है, उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारा जो एक्सक्लूसिव मटेरियल है वो उसी पे आएगा बिल्कुल, और दूसरे वाले पे नहीं आएगा। तो इनको सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आए तो इनके वीडियोस को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने प्यार भरे कमेंट्स हमें जरूर देते रहे। सो इन्हीं शब्दों के साथ शब खैर, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे। अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं कि बीमारियां भी आती रहती है। सो टेक केयर दोस्तों, और अभी कोरोना का फिर से शायद कुछ लहर चल सकता है, तो इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखें, लगा के रखें, विशेष ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, सबसे जरूरी है। कहते हैं इम्यूनिटी, आदमी जब खुश रहता है तो इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। इस पे एक अलग दवा, इस पर अलग बनाएंगे, किसी दवा की जरूरत नहीं दोस्तों। राधे राधे। यस।